हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। जय माता दी। दोस्तों, जराहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। नवरात्र के आठवें दिन आठवीं दुर्गा यानी महागौरी की पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। कहते हैं अपनी कठिन तपस्या से माँ ने गौरवर्ण प्राप्त किया था, तभी से इन्हें उज्ज्वला स्वरूपा महागौरी धन ऐश्वर्य प्रदायिनी चैतन्यमयी त्रिलोक के पूज्य मंगला शारीरिक मानसिक और सांसारिक तप का हरण करने वाली माता महागौरी का नाम दिया गया। देवी दुर्गा के नौ रूपों में महागौरी आठवीं शक्ति स्वरूपा है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महागौरी आदि शक्ति है, इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फलदायिनी है। देवी महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और देवी का भक्त जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी बनता है। दुर्गा पूजा के अष्टमी तिथि को माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति यानी कि देवी महागौरी की पूजा का विधान है। श्री देवी महापुराण में विदित है कि माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने हेतु अत्यंत कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका रंग एकदम काला पड़ गया था। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके ऊपर गंगाजल का छिड़काव किया, जिससे माता का रंग विद्युत प्रवाह के समान अत्यंत कांतिमान हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। वेद वर्णा देवी महागौरी के समस्त वस्त्र एवं आभूषण वेद रंग के हैं। इनकी चार भुजाएं हैं। इनके ऊपर का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे बाया हाथ में वर मुद्रा है। माता महागौरी का वाहन वृषभ है। अत्यंत शांत रहने वाली माता महागौरी की उपासना से भक्तों के सभी पाप संताप और दुख अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। वह सभी प्रकार के अक्षय पुण्यों का अधिकारी बन जाता है। नवरात्रि के आठवें दिन आठवीं दुर्गा यानी महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महागौरी की पूजा में हमें कौन सा भोग लगाना चाहिए। माँ महागौरी अष्टमी के दिन माँ को नारियल का भोग लगाएं। नारियल को अपने सिर से घुमाकर आप बहते हुए जल में भी प्रभावित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।